हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। शिक्षा परिषद गुरुकुल मटिंडू चौधरी पीरू सिंह जी संस्थापक गुरुकुल मटिंडू दिव्यदर्शी शिक्षा विशार परोपकारी एवं सर्वोत्तम वक्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर एवं गुरुकुल स्थापना दिवस पर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि हवन का आयोजन दिनांक 20 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार समय प्रातः 10 बजे स्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरुकुल मटिंडू। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ब्रिगेडियर सत्यदेव प्रधान। सोनीपत के डाकघर में 6,83,000 का गबन, 3 शाखा डाकपालों ने खातों से निकाली मृत लोगों की बुढ़ापा पेंशन, 3 पर FIR। मौत के 3 सालों तक खंगाले खाते। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में गांव माहरा के डाकघर में तैनात 3 शाखा डाकपालों ने 6,83,350 रुपये डकार लिए। ये राशि सरकार के विभिन्न लोगों को बुढ़ापा पेंशन देने के लिए जारी की गई थी। इस दौरान कई ग्रामीणों की मौत हो गई और उनके आए पेंशन के लाखों रुपए को इन डाक पालों ने अपनी जेब में डाल लिया। महिला समेत 3 शाखा डाक पालों के खिलाफ थाना बड़ौदा में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। भारतीय डाक विभाग में सोनीपत के सुपरिटेंडेंट ने थाना बड़ौदा में शिकायत में बताया कि जलकरण निवासी गांव माहरा, नीति निवासी छिछड़ाना और सोमबीर निवासी बड़ौदा अलग अलग समय में गांव माहरा में शाखा डाकपाल के पद पर तैनात रहे। तीनों ने शाखा डाकपाल के पद पर कार्य करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन के विभिन्न मृत खाता धारकों के खातों से में से विभिन्न तिथियों में खाता धारकों के मरने के बाद जमा लाखों रुपए की राशि का गबन कर लिया। विभाग ने जांच के दौरान पाया कि 3 सालों के दौरान मृत लोगों के खातों में से 6,83,350 रुपए गलत तरीके से निकाल लिए। ये राशि बुढ़ापा पेंशन की थी जो कि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। तीनों डाकपालों ने सरकारी धन का गबन कर लिया। फिलहाल इतनी राशि के गबन का खुलासा। जलकरण ने 1 फरवरी 1994 से 28 अक्टूबर 2019 तक 3,77,700 रुपये हड़पे। सोमवीर ने 15 सितंबर 2020 से 26 मार्च 2021 तक कुल 1,19,550 रुपये निकाले। नीति ने 6 मई 2020 से 9 सितंबर 2020 और 27 मार्च 2021 से 13 अगस्त 2022 तक मृतकों के खाते से 1,86,100 रुपये का गबन किया। गबन की राशि बढ़ने की संभावना। डाक विभाग में सोनीपत के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि विभागीय जांच में तीनों शाखा डाकपालों की करतूत सामने आ गई है। उक्त मामले में विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है और गबन की राशि बढ़ने की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि विभागीय नियमानुसार 50,000 रुपये से ऊपर किए गए गबन की FIR दर्ज कराना अनिवार्य है। तीनों पर केस दर्ज। थाना बड़ौदा के अंतर्गत आने वाली भैंसवान खुर्द पुलिस चौकी में पुलिस ने जलकरण सोमबी नीति के खिलाफ धारा 409-420 IPS के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि केस दर्ज कर गबन के इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डाक विभाग को भी इसकी FIR भेज दी गई है। अब वहां अधिकारियों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई होगी। सोनीपत DC के सुझाव पर हरियाणा में पॉलिसी बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए आदेश। उपायुक्त ललित सिवाच ने दिया सुझाव, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए योजना बनाने के निर्देश। जल भराव की स्थिति में अपने स्तर पर पानी निकालने वाले किसानों के लिए डीजल उपलब्ध करवाने का दिया सुझाव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न हुई 54वीं हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक। सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर किए जाते हैं उचित प्रबंध, उपायुक्त ललित सिवाच। ज्यादा बरसात के चलते जल भराव की स्थिति पैदा होने पर कुछ किसान अपने स्तर पर खुद के संसाधनों से खेतों से पानी निकालने में जुट जाते हैं, जिनके लिए डीजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। उपायुक्त ललित सिवाच ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पूछे जाने पर सोनीपत जिला की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह सुझाव दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकृत करते हुए आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि संदर्भ में योजनाएं बनाएं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। AP गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा
स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमायल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, स्कायटिका, कंसल्ट डॉक्टर रजत गुप्ता। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट 705-65111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।